दीदियों। यू भी जाइए दीदी, यू भी जाइए। रो रही है दीदी जाने से पहले ही। चल तो ऐसा करें, यहीं रुक, ठीक है, हम चले जाते हैं। यहीं रहेगी, जल्दी है हमें भेजने की। हाथ जोड़ ले माँ के, मैंने दिल खुश कर दिया शिवानी। और कोई बाबा जी मेरे जबर दी सभी को वेलकम टू प्रीति तनवर ब्लॉग। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। ले भाई अमानत। तो सुबह हो गई और हम नहा लिए, सिर भी धो लिया हमने, क्योंकि फिर जीजू जाएंगे तो उससे पहले हमने सिर धो लिए। मैंने कहा पहले सिर धो लेते हैं। और फेस की जो हालत हो रही है वो आप देख ही रहे हो। अभी तो कुछ नहीं लगाया मैंने, बस जस्ट अभी नहाई, सिर धोया था, इसलिए थोड़ी देर खाट पर लेटी ताकि सर में से जो पानी है वो निकल जाए। वैसे तो किसी की तो स्किन ड्राई हो, मेरे तो हेयर भी इतने ड्राई है, बहुत जल्दी पानी निकल जाए मेरे बालों में से। उस दिन मैं हेयर स्पा भी कराने गई ना, वो भी ये चीज़ बोल रहे, कह रहे आपको ड्राई की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके तो बाल ही इतने ड्राई है, बहुत जल्दी पानी निकल जाता है मेरे बालों में से। और ये रहा अंदर फ्रिज का, यहाँ से तो बिल्कुल हो ही गए, बस ये रह गए थोड़े। वैसे मैं लेके आई हूँ अपनी सनस्क्रीन, लगाऊंगी। ओह माय गॉड, दो दो चिपकली। बहुत डर है दीदी चिपकली से। दीदी दीदी एक चीज बता, सबसे झलट हुई दीदी, अब बता मेरे, देख यहाँ ये है, ये हाँ यू, यू भी झाइए दीदी, यू भी झाइए, यू झाई ना, यू झाइए, यू क्या है फिर? ये तो पिंपल्स हो रहे हैं, इतने निशान देख, निशान यू निशान हट गई झाई की, झाई की झाई नौ, वैसे यू झाई सिर्फ यहाँ तक है तेरे पर, अभी यू बच रही है इतनी, और यहाँ यू देख। मैं केयर ना कर पा रही सच में, अपने फेस की ना लगा पाती मैं। हाँ धूप निकल रही है, रो रही है दीदी जाने से पहले ही। चल तो ऐसा करें, यहीं रुक, ठीक है, हम चले जाते हैं। यहीं रहेगी, जाएगी आज, अकेली नीचे बैठी। बड़े पापा इसे लेके नहीं गए इसलिए रो रही है। अभी क्या हुआ, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो वो स्कूल गए तो इसे नहीं लेके गए। लेके क्या, ये गई नहीं, ये बैठी नहीं, और प्रणव किट्टू और पार्थ चले गए, ये रह गई, इसलिए रो रही है। चलो मैं जल्दी से कर लेती हूँ कंघी, और आज हम सच में ही जाएंगे। कल तो सही बताऊँ, हमारा मन था वहीं से वहीं जाने का, क्योंकि मुझे जाना था तिलपत मंदिर। तो मैंने दीदी को बोला इस बात को, उसने कर दी मना, मैं उससे हो गई गुस्सा। मैंने कहा ठीक है तू सोचे, मैंने कहा हम जाएंगे नहीं, मैंने कहा हम तो जाएंगे। उसने कहा आज मैं नहीं जा सकती, मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ मुझे काम है, क्योंकि दीदी को कुछ काम था उसने घर में, फिर उसने मना कर दिया। मैंने कहा ठीक है शिवानी, मैं तू चल रहे हैं, हम ऐसे ही चले गए थे। मैंने कहा ठीक है, फिर बच्चे आते टाइम इतनी जिद करने लगे कि नहीं मम्मा चलो आप मम्मा के पास ही, हमें तो वहीं जाना है, क्योंकि बिल्कुल इन्होंने यहाँ पुल पे उतारा था बॉर्डर के लिए, हमें वहाँ से ऑटो मिले ही नहीं, और फिर लेट हो जाते इसलिए हम निकल गए। मैंने कहा चलो चलते हैं, और फिर इन्होंने इतनी ज़्यादा ज़िद्द की, आपने देखा कल भी फिर रोई और अब भी रो रही है। लेकिन आज तो हमें जाना है, प्लान कुछ और था आज, और शिवानी ने अब कर दिया चेंज, वो हम आपको दिखाते आगे। आज भी हम जाएंगे मंदिर होते हुए, लेकिन कौन से मंदिर वो हम आपको आगे दिखाएंगे। बस थोड़ी सी भगवान मुझे केयर करनी सिखा दो, ये इतनी इतनी रह गई सच में ही, दवाइयों से ठीक हुई है, जो उन्होंने लगाने की दी है वो तो मैंने यूज़ भी नहीं करी, आपको दिखाऊंगी। अगर इतनी ट्यूब है लेकिन ऐसी ही रखी हुई है वो, हाँ इतनी ट्यूब है वो, अब वो ऐसी है, जरा सी लेती हूँ ना पूरे फेस पे लग जाती है। एक दिन तो मैं मम्मी को भी बोल रही थी, मैंने कहा मम्मी आप भी लगा लो, फिर मम्मी कह लगी मेरी तो बहुत पुरानी होगी, मेरी जहाँ नहीं जाएंगी, और मेरे तो देखो सच में ही चेहरे की बिल्कुल हालत ख़राब हो गई। मैं तो अपनी फेवरेट हूँ सच बताऊँ तो, किसी को मैं भले ही बुरी लगती हूँ भाई, और सुन लो कान खोल के,
मैं किसी को कितनी ही बुरी लगती हूँ, मैं अपनी बहुत फेवरेट हूँ, इसलिए मुझे किसी की तारीफ की ज़रूरत नहीं है। मुझे खुद पता चल जाता है कि कब मेरा चेहरा अच्छा हो रहा है, कब मेरा चेहरा बुरा हो रहा है, तो अब मुझे इसे सुधारना ही, बट मैं दवाई ही लेके आऊँगी, मेरे पास की ट्यूब लगानी नहीं है। रात को ना ये वाला झंझट है ना वो नहीं है, बस हफ्ते में एक दिन पैक लगा लेती हूँ, वही बहुत है। पैक के बिना गुजारा नहीं है, इसलिए हफ्ते में एक बार कॉमन है भाई पैक लगाना, मैं तो लगाती ही हूँ। लेकिन जो ये वाली ट्यूब दी है ना इन्होंने, ये डेली लगानी है रात को वॉश करने के बाद, वो मैं लगाती हूँ। और हालांकि मैं डेली रात को फेस वॉश करती हूँ डेली, क्योंकि कहीं बाहर भीतर गए धूल मिट्टी रही फेस पे, अजीब लगता है, खुद को भारी भारी सा फील होता है, इसलिए मैं लगाती हूँ, लेकिन ट्यूब ही नहीं लगा पा रही हूँ। अब मैं उनसे ये चीज़ बोलूँगी, मैंने कहा आप मुझे दवाई दो, मुझे दवाई लेके आनी है। उनसे इतना हुआ है सच में कि झाइयाँ इतनी रह गई हैं, अब लेके आऊँगी। फिर अब पता है मैंने दवाई भी कितने दिन स्किप कर दी, कम से कम भी 1.5 महीना हो गया दवाई को स्किप किए हुए, तब से दवाई भी नहीं ली। चलो पी देते हैं चाय में। किसे बुला रही तू? मुझे? चलें चलें, अगर आज तो माँ बेटी भी ना जाओ ना तो भाई बता दीजो, मुझे जाना हो। मेरा दक्षु फोन पे फोन करे जा रहा, मम्मा कब आओगे, मम्मा आ जाओ आप। हाँ भाई, कायरा यस या नो? तेरे मुंह पे थप्पड़ मारूंगी मैं, बता रही हूँ तुझे, बताओ फिर मेरे गुस्से की। एक बहन ने कमेंट करी, बहन मैंने आज तक आपको गुस्से में नहीं देखा, आपको जब भी देखा है हंसते हुए ही देखा है। गुस्सा तुम्हारा इनसे पूछे करो, ये बर्दाश्त कर रहे हैं ना हमारा। नहीं बाहर था, आने दो भाई, मैं जा रही हूँ। ऑन कैमरा नहीं दिखा सकते ना क्या? कल सही या लौंडिया को मुंह चढ़ाओ पड़ा। बोलने भी दी दिया इसे तो, मुंह पकड़ लिया तेरा उन्होंने, मुंह पकड़ा तेरा। ये लौंडे फुका के गए थे चल, ओ खन में तो नानू देखेंगे ना खा जाएंगे। लड़की या बनाती रिश्ते में भी कितनी सुंदर लगती है महारानी। अरे बोल रही जेठानी काहे, मैं ना गुस्सा नहीं मानती, जा हम नहीं मानती। मैं मोनू का सीधी है बाजी, हम तीन बहन भैया और कोई है ना, तिरानी जिठानी एक दूसरे के ही है, है? तब क्यों गुस्सा होना, क्यों गुस्सा होना, हम नहीं जलते, हम प्यार करते हैं। जलते अरे नहीं बाप, आज इन सबके मुंह पे दीदी भी शिवानी भी, भाई दक्षु बैठा हो भाई, मैं आप चल रहे ठीक है। कैस चल रही हूँ ढीली ढीली सी, क्या हुआ झूलेगी अभी, क्या झूलेगी हम, ए जल्दी हमें भेजने की, हमारे बैग खुद ही उठा जा रही है, बता दोगी। देखे रहे तो गेट भी रुके रहे, मत जाओ, देखे रहे तो रुके रहे, जाओ बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी ऐसे ही रहते हैं। लेके आए आ जाओ बच्चा पार्टी, सच में तुझे बड़ा पता है, पूरी खाए आते टाइम के पहले पर छा चढ़ा कर दे। माई की जय। पार्थो क्या पूछ रहे हैं आप भाई? मेरे बच्चे इनके मन में यू ही डर बैठा हुआ। एक बार हम ले गए शिवानी, वो हम एक बार अभी चित्रा के बर्थडे पे बिताए, हम बिताए जब धनतेरस आए सारे बच्चे इन्हें लेके। आजा बेटा, हाँ एक बार हम आए ना, फिर
किसी में माँ आ गई तो बच्चे के मन में वही डर बैठा हुआ कि मम्मा किसी में माँ तो नहीं आएगी। लेते बेटा अगर ऐसे होता भी है तो बिल्कुल खाली दरबार कह रहे हमें शिवानी तो चूड़ी ली मुझे खुद ही दे रहे उन्होंने दिल खुश कर दिया शिवानी और कोई चूड़ी नहीं सिर्फ यही चूड़ी उन्होंने ये उठा के सारी मुझे दे दी। माँ ने तुझे कंघी दी है अच्छा तवर नहीं है अच्छा आप भी सब करे भाई सच में ही सब फॉलो करे और इनकी वजह से हुए हमारे अच्छे दर्शन। फर्स्ट टाइम आपने चुनी दिलाई मुझे ठीक है आप पे न पिछड़े आप यूट्यूब पे देख रहे हेलो पार्ट नहीं देना ना चलना ना चलना भाई पूछ के बताएगी मैंने भी आज देखा है मंगलसूत्र आपका आज आपने हमारे बच्चों को देखा है और हमने आपको शादीशुदा देखा बिल्कुल कलर भी बिल्कुल शिवानी बहुत पसंद आई उस दिन रेड सूट वाली छवि मन में बसी हुई है अभी कह रही दीदी आप उस दिन मुझे बहुत अच्छे लगे भाई कोई वहाँ दिन भी वहाँ यान हुई गई वो वाली दीदी नहीं आई जो रेड सूट में मैंने कहा मैं ही तो हूँ भाई ये पैर का हूँ तो पूरी दुनिया भी खरीद सकती है ऐसे तो वो क्या कह रही है उसको नहीं ये कही कि मम्मा बिल्कुल सेम है कलर भी हाथ जोड़ का चलना हाथ जोड़ो तो फाइनली अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा पे और सच में भाई दो बार से माता रानी इतने अच्छे दर्शन करवा रही है बस पूछो मत लेकिन हाँ। सच में ही भाई दिल खुश कर दे माँ दर्शन इतने अच्छे करवा के आज तो मैंने अच्छे से कह रहे गोदी में लिए रखे आपने दिखाई पार्ट है गोदी में लेके हाँ। मैंने दिखा दी मैंने कह रहा मोंगले माता रानी तक खुल के जरूर भाई देखो पिछले ब्लॉग में भी चीज ना बोल पाई माँ मैंने मैं ना आ गई कभी ना आ गई मैं बस शादी हुई उसके बाद आए हम उसके बाद से ना आए शिवानी ने आना सिखाया कभी कभी मैं कीलबती गेल आई मैं तो और क्यों मुझे ऐसा लगे शिवानी से ज्यादा मैं माँ की प्रिय होगी कोई बात ना सच में अपने घर में ही तो प्यार आ रहा कोई बात ना माँ बहुत खुश है मुझे और सही में ही हमारे कायरा ना स्पेशल अपनी कंघी चाहिए ही अरु कायरा मिलेगी अभी दे दो बैग में अरुई माता रानी ने यहाँ कंगाई तो है गई ना तो चूड़ी रखी है मेरी प्लेन भी है तो मैंने डाल के भी ना देखी क्यों नवरात्र में डालेंगे मम्मी मैं सोची तीनों बहन और बाद दिन हम दीदी के आए ना तो दीदी मोते कई बच्चन के हैंकी लाई मैं ना दीदी भूल गई माता रानी ने पसीने पूछने को हैंकी दे दी और बाल खराब हो गए तिरंगा और देख ये भी दे दी माँ ने चूड़ी और रेडी दी है मेरी तो ये री जो मुझे माँ दिन मिली और ये री तो मुझे इतनी पसंद आई अब के अपनी माँ पे चूड़ी ही चढ़ाऊंगी सच में माँ मुझे हर बार चूड़ी दे अब तो चूड़ी लाऊंगी माँ मम्मी को कुछ मिला नहीं तो मुझे दो चीज मिली मम्मी का एक कोई बात नहीं माता रानी तुझ पर अपनी कृपा बनाएगी तो मैं अपने आप पूछ लू
आज हम बच्चन की वजह से इस मंदिर में भी आगे, वरना हम यहाँ से चले जाओ। बताना माता भगत नहीं पड़नी डोले और बेटा अगस्त की बताओ कह रहा स्लीपर उतारनी पड़ेगी ना हद दे। हर कोई मंदिर न जाता, अब बेशक कोई ब्लॉगर ने देख के हमको बात ही क्यों न बनाता हो के लेयर काट का दे दे रे बेशक और से अब बेशक कोई नु क्यों न कह देता हो के हर रोज काट का जी चले जा। भाई जिसे माँ बुलावे ना वही आ सके, अन्नी हर किसी माँ न बुलाती। बहुत कितने जो कहवे भी हैं कि हमें जाना जाना पर जाना पाते। और एक बहन ने पूछी कि दीदी आप किस दिन जाओ, तो आज बुधवार है वेनेसडे और बिल्कुल भी भीड़ नहीं, इतने अच्छे दर्शन हुए वाकई में। हो बेटा सब में आयो, ऐसी कोई जगह जो तेर मन दिखाई ना हो, तेर माँ खुद भी होंडर तो भी हंडा है ना। मम्मा कैप रख लो, क्यों भूकड़ 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 उन पंडित जी और वे बैठे सबसे पहले यहाँ फिर वहाँ और फिर गणेश जी पे फिर गौरी जी पे फिर उन पे और फिर सर पे। पानी आ दोनों बिठा दिए बाइक पे, मैंने आराम खा देंगे बाइक पे। बाय पहले आ गई घर पे। विशु देखिए मेरे फोन में यू क्या आ रहा, करेंगे व्लॉग आगे कंटिन्यू। अभी थक गए बहुत ज्यादा। काजे मंदिर में इन दोनों ने कायरा कंघा हैंकी पार्थ कंघा और मम्मी का चूड़ी ये मिले हमें कालका जी में, इतने अच्छे दर्शन हुए कोई ना। मम्मी को नहीं मिला ये ले मिला। मंदिर खाली ना, मैं तो गिने चुने लोगे दो चार ही बस, पर आज भवन वाला गेट बंद कर रखा, मंदिर में बैठो। फिर वे भाई मिल गए जो फतेहपुर के राहुल जी, जो कह रहे दीदी दर्शन मैं करा दी। मैंने भैया तो खुले पड़े, फिर उन भाई को फोन आ गया, कह रहे मुझे फोन ना करो थे ना बोतल है। मैंने आसमान हो गई तो डायरेक्ट आ जाओ। फिर तंबू नगर की आंटी मिल गई, कह रही हम तुम्हारी बहन जो है वीडियो बनावे, तुम वीडियो बनाओ हम सारे तुम्हारी वीडियो देखें। सबने देखा हम आ गए कालका मंदिर से और दीदी के से आ गए। हम दो दिन रुक के आए थे, उसके बाद कालका जी मंदिर गए जो बहुत अच्छा। लड्डू कैसे हाय मारी तेरे तो सिर पर जो चक्कर आ रहे हैं। और सच में एक बात बताऊं, आज ना वो आंटी ये कह रही थी कि आज हम लेट हैं। हमारे बालक मारे दोनों दीदी ने कह रहे गुड बहुत ही बढ़िया। मैं नुकम कह रही आज हम लेट और आज हम जल्दी पहुंचे। सच बताऊं जब वे यू कह रही कि हाँ हम यही वजह से लेट हुए आज कालका माँ हम प्रीति से मिलवानी। बहुत अच्छी वे आंटी सच में नेचर वाइज। तो उनकी ना भाभी तवरनी डेराबाद से, तो वे बता रही कह रही हम भावा जी हो, वे भी भावा जी है। मैंने की हाँ आंटी अच्छी बात है, वो मनीषा दीदी को पर्सनली जानते हैं पहले से ही, फिर अब वो हमारे वीडियोस ब्लॉग देखते हैं। उनकी बेटी की कमेंट भी आई कह रही दीदी हाँ आज आपसे मम्मी मिली मुझे बहुत खुशी हुई। फिर राहुल भाई भी मिल गए, फिर कह रहे जितने भी हो आप प्रीति बहन तो मैं सब जाना है। मैंने की हाँ भाई बस इनको ही प्यार सपोर्ट है। तो ब्लॉग करते यही पे खत्म, चाय टाइम हो गई, मैं तो चाय भी हम कहीं भी चले जा कोई पूछे ना तो ये न पूछ तो आएंगे हम तो सब याद मत पूछे करो तुम प्रीति भाई होगी ना प्रीति की बहन हो। ठीक है ब्लॉग खत्म करते, अब हम जाएंगे कालका माँ
के दर्शन करने नवरात्रिन में, वही कह आई जो प्रसाद वाली ने आज वो आई कह रही, अरे दीदी अब दिखे हो आप, मैंने कहा आज मुझे आप दिखे ही नहीं, फिर कह रही दीदी अब कब आओगे आप, मैंने कहा हम नवरात्र आज तो मुँह जवानी निकल गई बस की मात के दरबार में ही क्या है नवरात्रि में, तो भैया नवरात्रि में हाजिर जरूर आई हूँ, छोटे बच्चे भी हम तीन उनको जल्दी ट्रिप बढ़ने वाला हूँ एक दो चलेंगे हम वो तो पहली।